वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी अमेजिंग तीन एप्लीकेशंस के बारे में जिनको अगर आप सर्च कर रहे हो, वैसे तो वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, थंबनेल देख आपको पता लग गया है, आपकी सर्च यहाँ पे खत्म हो जाएगी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशंस को लेके। यस, मेरी पर्सनल फेवरेट है ये तीनों एप्लीकेशन। अगर मेरे पास मोबाइल होता है, अगर मुझे मोबाइल से एडिट करना है, तो मैं इन्हीं तीन एप्लीकेशन में से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी एक एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ। जब मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मैं फ़ोन से ही एडिट करता था सारी वीडियोज़, तो भी मैं इन्हीं सॉफ्टवेयर्स को इन्हीं एप्लीकेशन को यूज़ करता था। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप भी इनमें से किसी भी एक एप्लीकेशन को यूज़ करके अपनी वीडियोस बना सकते हो, चाहे वो YouTube के लिए बड़ी वीडियो बनानी हो, या फिर रील्स बनानी हो, या फिर YouTube शॉर्ट्स बनानी हो। इनसे अच्छी कोई एप्लीकेशन नहीं है। 99% लोग इन्हीं एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं जो वीडियो अपलोड करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है बिना स्किप किए, ताकि आप इनमें से किसी भी एक एप्लीकेशन को मिस ना कर पाए और आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए यहाँ पे। तो करें स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज चैनल का नाम है अपकमिंग वर्ल्ड। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो पसंद आए वीडियो को यस लाइक जरूर कर देना, चैनल को अभी कर दो सब्सक्राइब। बात कर लेते प्रोसेस की, इसके लिए आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन दिख रही होगी, मैं अभी FCP यूज करता हूँ, एंड एक FCP के टक्कर की एप्लीकेशन है जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। मेरी पर्सनल फेवरेट है, मुझे अगर कुछ भी एडिट करना है मोबाइल से, अगर मेरे पास लैपटॉप नहीं था जब, तब मैं यही एप्लीकेशन यूज़ करता था अपनी सारी वीडियोज़ बनाने के लिए। अब भी मुझे यूट्यूब शॉर्ट्स या रील बनाने होते, तब भी मैं इसी एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ। तीनों एप्लीकेशंस को मैंने क्राइटेरिया दिए हैं, जैसे क्रोमा जो हम लोग लगाते हैं ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट, प्लस की फ्रेमिंग, प्लस स्लोमो एंड फास्ट मोशन में। यस, ये तीनों एप्लीकेशंस में शामिल हैं, तीनों एप्लीकेशंस में आपको मिल जाएंगे, एंड हम 4K में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्लस वाटर मार्क की भी कोई टेंशन नहीं है। तो पहली एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, वो है VN एप्लीकेशन, मेरी ऑल टाइम फेवरेट। मैं इसी असेंडिंग ऑर्डर में रखूंगा, सबसे बेस्ट, फिर थोड़ी कम बेस्ट, फिर ओके उससे थोड़ी कम बेस्ट, लेकिन बेस्ट है। तो VN एप्लीकेशन में मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रखे हैं, इसमें आपको प्रीमियम खरीदने की जरूरत नहीं है, इसकी आपको फ्री में इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। प्लस इसका वाटरमार्क की भी टेंशन नहीं है, वाटरमार्क चला जाता है। आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, मैंने कितनी वीडियोस बना रखी हैं इस पे, राइट। मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो मैं इसी पे ही एडिट करता हूँ, आप देख सकते हो, राइट। ओके, मैं पूरी वीडियो नहीं दिखाऊंगा कॉपीराइट की वजह से, काम करके कॉपीराइट आए क्योंकि उसमें साउंड भी है। एंड यहाँ पे मैं कोई नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, एंड इस प्रोजेक्ट में मैं आपको पहला क्रोमा दिखा देता हूँ कि क्रोमा का इफेक्ट, क्योंकि हमें जैसे सब्सक्राइबर लगाना होता है, हमें लाइक बटन लगाना होता है, हमें क्रोमा में कुछ और लगाना होता है, तो क्रोमा हमें बहुत जरूरी है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वीडियो ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसी के साथ साथ फ्रेम में क्रोमा भी ले लेता हूँ, स्टैक्स में जाके ये ले लिए, एंड यहाँ पे क्रोमा इफेक्ट आपको दिख रहा होगा इफेक्ट्स के नीचे, एंड इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके, एंड मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए क्रोमा इफेक्ट लग गया, तो ये भी इसमें लगा सकते हैं, मैंने कोई इसका प्रीमियम नहीं खरीदा हुआ है। दूसरा, हमें स्लोमो फास्ट मोशन दिखाना है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्पीड यहाँ पे कर्व आपको मिल जाता है, मैं आपको जल्दी जल्दी सबसे बेस्ट चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आप यहाँ पे देखो स्लोमो फास्ट मोशन भी कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ये देखिए ये हो गया फास्ट, अब यहाँ पे एकदम स्लो हो जाएगा। ओके, फास्ट मोशन स्लो मोशन आप इस पे कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। उसी के साथ साथ आपको इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं, ये देखिए बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, एंड इसमें आपको VFX भी मिल जाते हैं बहुत सारे। ओके, मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसलिए मैंने इसे टॉप पे रखा है, एंड 99% इन्फ्लुएंसर्स इसी को ही यूज करते हैं। ओके, इसी के साथ साथ हम की फ्रेमिंग की बात कर रहे थे, तो की फ्रेमिंग में हमें जैसे कोई और फ्रेम ले लेता हूँ मैं, अभी इसे हटा के हम कोई और फ्रेम लगा लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मुझे ये वीडियो लगानी है, एंड इसकी मैं की फ्रेमिंग कर देता हूँ। इस पर आप टैप करोगे, ओके करो, एंड यहाँ से इसे आप जैसे मुझे इसे ऊपर लेके जाना है इसे, ओके, तो यहाँ पे आप इसे हल्का सा आगे बढ़ाओ एंड इसे ऊपर ले जाओ, एंड की फ्रेमिंग अब लग गई, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए की फ्रेमिंग हो जाएगी यहाँ से, ये देखिए क्री फ्रेमिंग होगी। इसी के साथ साथ वाटरमार्क की भी कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से हम इस वाटरमार्क को रिमूव कर सकते हैं, वाटरमार्क चला के अब इसे हम कहीं भी अपलोड कर सकते हैं, जहाँ भी इसे अपलोड करना चाहते हैं, चाहे हमें यूट्यूब शॉर्ट्स पे करना है, रील पे करना है, या फिर बड़ी वीडियो करनी है, कोई कॉपीराइट का झंझट भी नहीं है। एक्सपोर्ट भी हम इसे अच्छी क्वालिटी में कर सकते हैं, जो भी क्वालिटी चाहे हम इसको बढ़ा के 4K में कर सकते हैं, एंड यहाँ से इसे एक्सपोर्ट करेंगे हो जाएगी। इसके बाद जो मैंने दूसरे नंबर पर एप्लीकेशन रखी है वो है वीटा। अगर आप रील्स यूज़ करते हो, अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हो, इससे बड़ी एप्लीकेशन कोई भी नहीं है, इससे अच्छी एप्लीकेशन कोई भी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको इतने सारे टैम्पलेट्स मिल जाते हैं, आपको सिंपल उसमें वीडियोज नहीं अपनी, एंड आपके टैम्पलेट तैयार होके यूज नाउ करके आपको बस, ये देखिए पूरे आपको सारे टैम्पलेट्स बने हुए ऑलरेडी,
ओके, मुझे इसको अलाउ करना पड़ेगा, मैं इसे अलाउ नहीं करना चाह रहा अभी। ओके, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से हम यूज नाउ करेंगे एंड फ्रेम में अपनी अपनी फोटो लगा के एक वीडियो आपकी खुद एक्सपोर्ट होके आ जाएगी। इसी के साथ साथ तीसरी एप्लीकेशन रखी है हमने मोशन निंजा। मोशन निंजा वैसे काफ़ी पुरानी एप्लीकेशन है लेकिन बहुत काम की है। इसमें आपको ब्लर मोशन करना हो, वैसे मोस्टली जो एंड्रॉयड यूज़र हैं वो मोशन निंजा और वीएनई यूज़ करते हैं क्योंकि इनमें हम स्मूथ स्लोमो कर सकते हैं। आप देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ये कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं है इन तीनों एप्लीकेशन का। मुझे मेरी ऑडियंस को एक अच्छी चीज़ बतानी है, इसी वजह से मैंने इन तीनों एप्लीकेशन को चुना है। इन तीनों एप्लीकेशन को मैं यूज़ करता हूँ अगर मुझे वीडियो एडिट करना है तो, एंड आप भी कर सकते हो। मोशन निंजा आप चला के देख लेना, वैसे सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है जैसे वीएन में थी, जैसे वीटा में थी। वीटा थोड़ी अलग हो जाती है, वीटा में हम बड़ी एप्लीकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन वीटा को मैंने इसलिए रखा था क्योंकि मोस्टली लोग यूट्यूब शॉर्ट्स पे जा रहे हैं और रील्स पे जा रहे हैं, रील्स एडिट करते हैं, तो उनके लिए उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। एंड वहाँ से नए नए ट्रेंड्स भी आते हैं, वीएन से भी नए नए ट्रेंड्स आते हैं, एंड मोशन निंजा पे आप बड़ी वीडियो शूट कर सकते हो। ये एक तरह का अडोब प्रीमियम है एक एप्लीकेशन में। मैं अडोब प्रीमियम एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लेकिन ये बहुत सिंपल है। मैं खुद एफसीपी यूज करता हूँ लेकिन अगर मेरे पास लैपटॉप ना हो आज तो मैं इन्हीं एप्लीकेशन में से, मेरी पर्सनल फेवरेट तो वैसे वीएन है, मैं वीएन यूज करूंगा एंड कोई पेड कोलैब नहीं है। आपको भी कौन सी एप्लीकेशन तीनों में से पसंद आई है मुझे बता देना, कमेंट कर देना, एंड अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद नहीं आई तो भी कर देना, मैं और अच्छी एप्लीकेशन को ले आऊँगा और इजी एप्लीकेशन को ही सर्च करके आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड उसी के साथ साथ आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इफ़ यस गिव इट अ थम्स अप, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।